अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 30 जुलाई को रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके जरिए इन तमाम को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक सभी जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। ये ग्रुप सऊदी एयरलाइंस से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए रवाना होगा और इस ट्रैवल्स के प्रोवाइडर ने बताया इस पैकेज में मक्का में ओलायन गोल्डन होटल और मदीना में अलमरजान होटल बुक की गई है, जो बिल्कुल करीब यानी वॉकेबल डिस्टेंस पर मौजूद है। अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए पहला ग्रुप शवाल महीने में रवाना हुआ था और अभी 30 जुलाई के बाद दूसरा ग्रुप रबीउल अव्वल महीने में तैयार किया गया है। ख्वाहिशमंद हजरात अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आज के इस तरबियती कैंप में मीर मुतहर अली खान की जानिब से आजमीन उमरा को तमाम तफसीलात समझाई गई हैं और अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तैयार किए गए इस पैकेज में अगर कोई उमरा जाना चाहते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको बिल्कुल फ्री यहां पासपोर्ट भी बनाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड मस्जिद मकबूरा के करीब मौजूद अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। दुनिया में काबतुल्लाह की सबसे पहले तामीर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए करवाई, फिर उसके बाद सैयदना आदम अलैहि सलात व सलाम जब जन्नत से अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो साथ में अपने घर को भी भेजा, यानी काबतुल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम से फरमाया कि ऐ आदम, जिस तरीके से तुम काबतुल्लाह की, इस तरीके से वहाँ अर्श की तवाफ किया करते थे, उसी तरीके से ये मेरा मुबारक घर है, इसका भी आप तवाफ करते रहे। जाने से पहले की तैयारी क्या है? आप इंशाल्लाह 29 तारीख को आपको यहाँ से निकलना है, यानी एक दिन पहले ही आपको हर तरीके से तैयार होना है। आप अपने तरीके से यहीं पर गुस्ल वगैरह से फारिग होना है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर गुस्ल खानों का निज़ाम नहीं है, तो यहीं पर आपको हर तरीके से फारिग होना है। अपने आप को साफ़ सफाई का ख्याल करते हुए अच्छे से अच्छे लिबास पहनते हुए, आपको अहराम यहाँ पर नहीं पहनना है, आपको एयरपोर्ट पर पहनना है। तो आप यहाँ पर निकलेंगे 29 तारीख के दिन यानी संडे के दिन, पहुँचना है आपको 10 बजे। तो आप उस सहूलत से गुलबर्गा से कब निकलना है? 1 बजे निकलिए आप, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, चलिए 1 बजे भी नहीं तो नहीं 3 बजे भी निकले, तो आपको 5 घंटे पहले आपको पहुँचना है बोर्डिंग से पहले, तो 10 बजे पहुँचना है एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से आप वक्त की सहूलत के साथ, अपने हिसाब के साथ, अपनी सेहत के ख्याल के साथ वहाँ पर पहुँचना है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आपके ग्रुप लीडर आपके साथ होंगे और आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। तो आपको जो पहले है सामान क्या रखना है साथ में, आपको अपने बैग के अंदर मिनिमम 5 जोड़ रखना है। कितने जोड़? सिर्फ 5 जोड़ रखना है। फिर आपको अपने ज़रूरियात के मुताबिक जो भी सामान है लिस्ट दी जाएगी उसके अंदर, जो 15 दिन के लिए रखते हैं वो तमाम चीज़, अगर किसी को बीमारी है, शुगर है, बीपी है, तो वो लोग अपने 15 के दिन की गोलियाँ दवाएँ डॉक्टर की रिसिप्ट के साथ साथ में रख लें। एक तो लगेज है यानी पूरे कपड़े रखने का, और एक हैंड कैरी है, हैंड कैरी के अंदर ये रखना है, क्योंकि आपको अहराम जो पहनना है बोर्डिंग के बाद पहनना है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि आप अपने अहराम को बैग के अंदर रखें लगेज बैग में, तो ये बैग चले जाएगा अंदर, और अंदर चले गए तो सीधा आपको जिद्दा पे मिलेगा, फिर अहराम कहाँ से रहेंगे? तो इसलिए ध्यान और तवज्जो के साथ अपना अहराम और अपना बेल्ट और अपने साथ एक जोड़ कपड़े हैंड कैरी के अंदर, फिर साथ के साथ आप लोग कुछ खाने के लिए एक वक्त अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खाने के लिए एक वक्त का, उसके लिए आप क्या रोटी ले सकते हैं, कुछ भुना हुआ तला हुआ उसके अंदर, ऐसी चीज़ जो ख़राब ना हो। ये देख लीजिए, दो चादरों का नाम अहराम है, बगैर सिले हुए कपड़ों का नाम अहराम है, ये पहन लेना है आपको। देख लीजिए किस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से कर ले इसके ऊपर, बस ये भी अगर अच्छा फिट हो गया, नहीं इससे ज़्यादा सपोर्ट होना है तो आप अपने साथ बेल्ट रख लें, ये हो गया बस। अब अभी आप नियत वगैरह कुछ नहीं किए हैं, आप सिर्फ अहराम पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MS आमिर अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स। आज अलफला टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से तरबियती कैंप रखा गया था, जो कि 30 तारीख को रवाना होगा सऊदी एयरलाइंस से डायरेक्ट फ्लाइट, और मक्के में बहुत ही करीब होटल है ओलायन गोल्डन, और मदीने में अलमरजान, जो कि काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला जो शवाल में गया था काफिला, बहुत ही पुरसकून हुआ था, और इसे मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा दूसरा है, तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब होने की हम कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमारे उम्रों को भी कबूल फरमाए। आज का जो तरबियती कैंप था, जिसमें मीर मुतहर अली ख़ान जो है
तरबियत करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हमारा नेक्स्ट काफिला रबी अव्वल के लिए है जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। और मैं और एक गुलबर्गा हेडलाइंस और ग्वाहिश की तरफ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी रबी अव्वल के लिए बुक कर रहे हैं उनका अगर पासपोर्ट नहीं है तो हम फ्री में बना के देंगे, और जिसका ऑलरेडी पासपोर्ट है उनके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ गिफ्ट रहेगा इंशाल्लाह। अल्फला टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस मकबरे मस्जिद के पास है, दरगाह रोड पर। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9071786777। जज़ाकअल्लाह खैर।